सो गाइस अभी हमारे पास एक फोन आया है इन्फिनिक्स का, और अगर आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का एक फोन दिखाई देता है। पीछे से यहाँ पे स्मार्ट लिखा हुआ है, इन्फिनिक्स का मॉडल है। और अगर आपको मॉडल नहीं पता है तो पीछे का बस ये ढक्कन खोलिए, ढक्कन खोलने के बाद से आपको सिंपल से यहाँ पे इसका मॉडल लिख जाएगा। तो इन्फिनिक्स में सब में मॉडल एक्स से शुरू होता है, एक्स 657B इस पे लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप इंटरनेट पे जाकर सर्च करेंगे एक्स 657B तो आपको समझ में आएगा कि ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 मॉडल है। तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करके भी एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए, तो मैंने सर्च किया है, ये देखिए इन्फिनिक्स एक्स 657B जब मैंने डाला तो यहाँ पे देखिए इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 आया है। और नीचे देखिए तो यहाँ पे चिपसेट आपको दिखा रहा है मीडिया टेक का, यानी कि इसके अंदर मीडिया टेक का CPU लगा है और ये इन्फिनिक्स एक्स 657B स्मार्ट 5 है, यानी कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 तो मीडिया टेक CPU लगा है। तो अभी हम इसको करने वाले हैं अनलॉक। अब इसमें हुआ ये है कि कस्टमर ने इसे हार्ड रिसेट कर दिया है, जिसकी वजह से हार्ड रिसेट तो हो गया है लेकिन इस फोन में FRP लॉक लग गया है अभी। तो यहाँ पे हम इसका अभी इसको हम स्विच ऑफ खोले हैं, यहाँ पे FRP लॉक लगा हुआ है। तो FRP कैसे अनलॉक करना है इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं लेटेस्ट वाला टूल, जो कि अभी अभी कल ही इसका अपडेट आया है न्यू ईयर के दिन, यानी कि 2 दिन पहले का अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं UMT वर्जन 2 अल्टीमेट MTK वर्जन 0.2, यानी कि ये जो MTK का नया वाला है उससे हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या हमारा काम होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ सिलेक्टेड है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सर्विस पे जाएंगे सीधा। और यहाँ पे जाने के बाद से आपको यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो रुकिए यहाँ पे मैं पहले इसको छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मेट FS दिख रहा है, यहाँ पे FRP पे क्लिक करके एग्जीक्यूट कर देंगे और देखते हैं कि क्या ये टूल हमारा वर्किंग है। ये देखिए यहाँ पे आपको स्टार्ट करेंगे जब, ये देखिए आपको लॉक का सिंबल दिख रहा है, यानी कि इसमें FRP लॉक है, तभी ये लॉक का सिंबल है, नहीं तो नहीं आता। यहाँ पे हम इसको कर लेंगे यहाँ पे स्विच ऑफ। ये हमारा फोन हो गया है बंद, और अब हम इसको अपने फोन से डाटा केबल से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा फोन है, यहाँ पे इसको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के कनेक्ट करना रहेगा। हालांकि ये स्विच ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, तो पहले ट्राई करते हैं ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे फोन स्विच ऑफ हो गया है, बिना किसी बटन को दबाए हम फोन कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो पोर्ट डिटेक्ट कर लिया है, यानी कि ये फोन ऑटोमेटिक वर्किंग है। और यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स इंटर वी रोम फेल्ड आ चुका है, तो हमें फोर्स इंटर नहीं करना है, यानी कि फोर्स इंटर तो नहीं करना है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जा रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है, ऑटोमेटिक कनेक्टिंग का इसमें फीचर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम अपने फोन को फिर से स्विच ऑफ चालू करते हैं, क्योंकि एक बार फेल्ड आ जाता है तो दोबारा अगर आप करोगे तो फिर से बार बार फेल्ड होते रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स वाले पे हम अनटिक कर देंगे, और अनटिक करने के बाद अब ट्राई करके देखते हैं कि हमारा फोन कैसे अनलॉक होता है। यहाँ पे आपको लाइव आपके सामने देख सकते हैं जो भी है आपके सामने है, इस टूल का कैसे यूज है। नया टूल है तो नया टूल को थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, किस तरह से यूज करना है, क्या है। कई लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन रहता है, कहीं हम जैसे यहाँ पे इतनी सारी फाइलें सेलेक्टेड हैं और कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए फोन में, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए अब एक बार फिर से हम इसको फोर्स बीरोम का, यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स बीरोम जो इंटर बीरोम आ रहा है वहाँ पे फेल्ड आया है, तो उस पर हमने अनटिक कर दिया। और अब जाके चेक करके देखते हैं, प्लीज यूज TP फॉर बी रोम, प्लीज अनटिक फोर्स बी रोम वर्क प्री लोडर मोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बकायदा यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि प्लीज यूज TP, यानी कि यहाँ पे ये बोल बता रहा है कि बी रोम को अनटिक करके इसको अनलॉक करिए, तो बकायदा गाइड भी कर रहा है ये टूल। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टूल गाइड कर रहा था, काफी अच्छी बात है, क्योंकि गाइड कर रहा है मतलब आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए अभी फिर से एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। तो फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, यहाँ पे FRP पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे सिंपल सा हमें केबल लगा देना है। अभी फोन हमारा हो चुका है स्विच ऑफ, और अभी कोई बटन वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया है आपको ऑटो डिटेक्टेड। इसका ऑटो का मतलब ब्रांड और मॉडल तो ऑटो सेलेक्ट कर ले रहा है, ब्रांड कोई सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। ऑटो डिटेक्टेड का मतलब कोई बटन वगैरह दबाने की जरूरत नहीं है, कितने भी MediaTek के जितने फोन है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। तो अभी मैं इसको ट्राई किया और 100% वर्किंग, आप देख सकते हैं बिना फोन कोई बटन दबाया बस केबल हमने लगा दिया, और यहाँ पे फोन ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जा रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। अभी देखिए यहाँ पे प्लीज यूज TP टू पी रोम और अनट्रिक फोर्स पी रोम टू वर्क इन प्री लोडर मोड। अभी तो हमने वही किया है लेकिन फिर भी ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे इस टूल को हम बंद कर देते हैं,
दोबारा ओपन करते हैं। जब भी आपका कोई भी प्रॉब्लम आए फेल्ड हो जाए तो आपको एक बार फोन को चालू करके फिर बंद करना है, क्योंकि ऐसे में क्या है कि फोन बंद करके आप डायरेक्ट ट्राई करोगे तो बार बार ही फेल्ड आते रहेगा। एक बार फोन को हमने चालू किया है फिर इसको स्विच ऑफ करेंगे और फिर ट्राई करेंगे, और ज़्यादा दिक्कत आएगी तो पीछे से बैटरी का कनेक्टर निकाल के ट्राई करेंगे, तो सबसे ज़्यादा बेटर है। फोर्स बी रोम पे से अनटिक कर दिया हमने और यहाँ पे हम चले गए FRP पे और अब एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार हम वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के चेक करके देखते हैं, कहीं उसके वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही है। क्या फिर से फ़ोन खुल चुका है, फिर से हम स्विच ऑफ करेंगे। ये बेस्ट है एंड्रॉयड 11 का वर्जन है इसमें चल रहा है, जो इस फोन में एंड्रॉयड 11 वर्जन चल रहा है, अभी वर्क कर रहा है। तो पूरी तरह से फ़ोन को स्विच ऑफ होने देते हैं हम पहले। अभी फ़ोन पूरी तरह से स्विच ऑफ हो चुका है और अभी हम इसको करेंगे वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के। अभी देख सकते हैं आप, इस बार हमारा जो फ़ोन है डिटेक्ट हो गया है और इस बार हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट बी रोम से कनेक्ट हो रहा है, और वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा कनेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका नॉर्मल मोड में कनेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो लाइव आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई है कि इस टूल से आपको वर्किंग करते समय इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको डायरेक्ट अगर आप वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के करोगे तो ही आपका ये फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट जो वीवो का फ़ोन आ रहे हैं जो कि बी रोम का क्रश बता रहा है, जो नई सिक्योरिटी पे बेस्ड है, उनको आपको करना है डायरेक्ट लगा के बिना कोई बटन वगैरह दबाए। लेकिन वही अगर आपके पास कोई और दूसरा फ़ोन आ रहा है तो उसमें आपको वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के तब जाके कनेक्ट करके यूज करना है। तो एक चीज़ आपको ये नया सीखने को मिला होगा और मुझे भी नया सीखने को मिला है। तो अभी देखते हैं, हमारा यहाँ पे तो सक्सेसफुली FRP डन दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं फोन में FRP हमारा अनलॉक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसको देख लेते हैं, इसके बाद आगे आपको प्रोसेस बताएंगे। तो जब तक आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए हम थोड़ी देर वेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोन जो है वो खुल चुका है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, स्किप। ये देखिए अभी आपको यहाँ पे जो पहले लॉक का सिंबल दिख रहा था, अभी दोनों कोने में देखिए लॉक का सिंबल गायब हो चुका है, यानी कि हमारा जो FRP है वो इसका मतलब बाईपास हो चुका है। फाइनली आप देख सकते हैं हमारा फोन अनलॉक हो चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। देख सकते हैं हमारा फोन जो है वो अनलॉक हो चुका है पूरी तरह से।